नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, लगातार आप सभी के लिए ये घोषणाएं की जा रही थी कि 12 जनवरी को आप सभी के शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ यानी कि समायोजन दोबारा से बहाल किया जाए, जिसको लेकर के आप सभी के लिए एक धरना प्रदर्शन इको गार्डन पार्क में होगा, जो कि वास्तविक रूप में सफल भी हुआ। जहां पर साथियों, धरना प्रदर्शन से ही एक नई जानकारी निकल कर आई है कि आप सभी का जो समायोजन है उसकी प्रक्रियाएं फरवरी में भी चल सकती हैं। यानी कि यहां पर साथियों, एक घोषणा बीजेपी विधायक के द्वारा की गई है, जो कि आप सभी के कल के ही कार्यक्रम में हुई थी। उनके द्वारा कुछ बातें यहां पर आप सभी के फरवरी यानी कि 20 फरवरी के कार्यक्रम पर कही गई है, एक बार आप सुन सकते हैं। एक बात याद दिला दें, पुरानी 2017 से पहले से हमारे माननीय सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर जी हमारे शिक्षा मित्रों की और आशा बहुओं की और आंगनवाड़ी वर्कर की, पीएचडी के जवान और होमगार्ड के जवान, आप सभी लोगों की लड़ाई लड़े और सरकार में विभाग रखे आप सबके लिए। जिस तरीके से उस समय उन्होंने आप सबके समर्थन में बात रखी सरकार में, तभी जाके 3200 रुपए से बढ़ करके 10,000 रुपए आपका मानदेय हुआ और समायोजन के लिए भी बात रखी गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने से, क्योंकि वो जीएसटी पास लोग काफी पेंडिंग पड़े थे, उस आधार पर रहे थे, उसमें भी हमारे काफी शिक्षा मित्र लोग लगभग उसको लगता है सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, बीएड और टीएससी लगभग लोग कर लिए हैं। अब कोई वैसा पेंडिंग मेरे सभी शिक्षा मित्रों में नहीं दिख रहा है। हम आए हुए हैं आपकी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन करके कुछ न कुछ अच्छा ही निर्णय लेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा पूरा पूरा कि आप सबकी सही और जायज मांगे पूरी हो और आप सबको। तो हम अपनी बात शांत रखें और इसीलिए हमारा है कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और आपका कुछ न कुछ कल्याण जरूर होगा। और इसी क्रम में माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी के द्वारा 20 फरवरी को आप सबके लिए एक कार्यक्रम रखे हैं, शायद उसको लगता है आप सबको अवगत भी होंगे उससे। तो माननीय मंत्री जी ने भी बात रखी है और उसके 20 तारीख का कार्यक्रम आपके सबके समक्ष माननीय मंत्री जी करेंगे। हाँ, 20 तारीख का लगभग है और हम आज आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा करके हम आपका जो उम्मीदें थी हम पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।